हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू ऑटो गियर इंडिया। मेरा नाम है सचिन और भाई टाटा मोटर्स के फ्लीट एज प्लेटफॉर्म के बारे में आपने बहुत ही सुना होगा। तो इसी जानकारी को हम ज़्यादा करने के लिए और आप तक बिल्कुल इम्पॉर्टेंट और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए आए हैं प्रोफेशनल ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड। ये टाटा मोटर्स का जो फ्लीट एज प्लेटफॉर्म है उसको काफ़ी दिन से यूज़ कर रहे हैं, तो आज हम इनसे जानेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा पिछले कुछ सालों में और क्या ये प्लेटफॉर्म जो चीज़ बताता है वो प्रूफ कर रहा है वो चीज़ प्रॉपरली वर्क करती है या नहीं करती। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आते हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हेलो एवरीवन, मेरा नाम लावण्य अग्रवाल है। प्रोफेशनल ऑटोमोटिव्स के अंदर मैं एज अ CEO हूँ एंड हम लोग 1997 में इनकॉर्पोरेट हुए थे और मारुति के साथ स्टार्ट किया था काम। फिर ग्रेजुअली काम बढ़ता गया तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट इंडिया के सारे OEMs के साथ काम कर रहे हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग के साथ, टाटा, महिंद्रा, मारुति, होंडा, फोक्सवैगन, स्कोडा, टोयोटा एंड सो ऑन। और अपार्ट फ्रॉम कार कैरियर ट्रांसपोर्टेशन वी आर वर्किंग इन LPG ट्रांसपोर्टेशन का काम है, केमिकल ट्रांसपोर्टेशन हम लोग कर रहे हैं, वी आर इनटू रियल इस्टेट एंड होटल्स और वी आर वर्किंग पैन इंडिया लाइक गुड़गांव, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुवाहाटी, एवरीवेयर वी आर वर्किंग। एंड जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा हमारा तो ग्रेजुअली उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस हुए। लाइक GPS तो एक बहुत ही छोटी चीज़ है आज की डेट में, बहुत बेसिक नीड है, तो GPS तो सब लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। बट जैसे ही जब BS4 इंट्रोड्यूस हुई तो टाटा ने उस टाइम फ्लीट मैन का इंट्रोड्यूस करा। उस टाइम अब फ्लीट मैन बहुत ही इनिशियल स्टेज पे था, उसमें काफ़ी सारे ग्लिचेस आए, तो उन्होंने उसको एक Phase 2 के हिसाब से फ्लीट एज चालू करा। एंड हम लोग टाटा के साथ फ्लीट मैन जब उन्होंने लॉन्च किया जब भी काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थे, छोटी छोटी चीज़ें, क्या बग्स आ रहे थे, जो ग्लिचेस आ रहे थे, कैसे इम्प्रूव करना है, तो पैरेलली हम टाटा मोटर्स के साथ चलते गए और ग्रेजुअली एक फ्लीट एज करके इन्होंने एक प्रोडक्ट तैयार कराया। उसके अंदर हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। लाइक आपको लोकेशन तो आपकी मिल ही रही है गाड़ियों की, प्लस क्या है ये गाड़ी के अंदर इनबिल्ट आता है, सो इसके साथ टेम्परिंग नहीं हो सकती, कोई भी तरीके छेड़खानी ड्राइवर नहीं कर सकता, तो ये तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है अगर एक कोई भी फ्लीट ओनर हो उसके लिए। उसके अलावा आप इससे अपनी गाड़ियों की सर्विसेज जो ड्यू हो रही हैं, क्या पास सर्विसेज हो चुकी हैं, उनमें क्या काम हो चुका है, उसमें कोई रिपीटेशन तो नहीं है, आपकी गाड़ी ऑन रूट चल रही है तो सेफ्टी पैरामीटर्स में देखें तो कोई गाड़ी आपने नाइट ड्राइव, जैसे हमारी कंपनी में नाइट ड्राइव अलाउ नहीं है तो कोई ड्राइवर नाइट ड्राइव नहीं कर रहा है, ओवर स्पीडिंग, उसके अलावा फ्री रनिंग कहते हैं जो न्यूट्रल ड्राइविंग जिसको बोलते हैं, तो हम लोग उस पर काफ़ी मॉनिटर करते हैं। तो ड्यू टू फ्लीट एज वो काफ़ी परसेंटेज में ड्रॉप हुआ है, तो उससे एक तो गाड़ी की सेफ्टी, ड्राइवर की सेफ्टी दोनों चीज़ की, उसके अलावा गाड़ी के मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो कोई भी तरह का ग्लिच अगर गाड़ी में आता है इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ये OBD से कनेक्ट है तो इंजन रिलेटेड कोई भी तरह का इशू होता है तो वो हमारे सिस्टम में शो हो जाता है, तो वो चीज़ ख़राब होने से पहले ही हम उसके ऊपर एक्शन ले पाते हैं ड्यू टू फ्लीट एज। तो अगर वैसे देखा जाए तो मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक ट्रांसपोर्टर के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, प्लस गाड़ी क्या माइलेज दे रही है, उसके अंदर एड ब्लू की अगर बात करें तो क्या कंजम्पशन चल रहा है एड ब्लू का, किसी गाड़ी में कम है या क्या, अगर कोई व्हीकल के साथ फ्यूल थेफ्ट हो रहा है तो फ्यूल थेफ्ट का आपको इन्फॉर्मेशन ये दे सकता है, गाड़ी बराबर, ड्राइवर की स्कोरिंग, कौन सा ड्राइवर की क्या स्कोर है, कैसे गाड़ी चला रहा है, उसकी गियर शिफ्ट का पैटर्न कैसा है, आइडलिंग कितना रख रहा है ड्राइवर, तो देयर सो मैनी थिंग्स, मतलब आप इसके अंदर जितना देखेंगे उतना ही आपको और नई नई चीज़ें मिलेगी। मंथली रिपोर्ट ले सकते हो, वीकली रिपोर्ट ले सकते हो, सबसे बेस्ट पार्ट है डायरेक्टर्स रिपोर्ट, क्योंकि हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता कि एक एक चीज़ को हम देख सकें, तो इन्होंने एक हमारे लिए बना दिया डायरेक्टर रिपोर्ट्स का सेक्शन, सो दैट उसको हम विज़िट करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में एक कंपाइल रिपोर्ट हमें मिल जाती है, वो काफ़ी हेल्पफुल है हमारे लिए। उसके अलावा व्हीकल वाइज भी देख सकते हैं, व्हीकल का हेल्थ जैसे मैंने पहले बताया आपको, तो वो एक काफ़ी इसमें मेजर रोल करता है।
एंड उसके अलावा बात करें देर इज सो मेनी थिंग्स. फिर हमने टाटा, इन्होंने अभी नया इसका फ्लीट एज का भी फेज़ टू लेकर के आ गए, तो उसमें भी जो छोटे मोटे जो ग्लिचेस थे वो सारे रिमूव हो चुके हैं. बाकी महीने में कम से कम 3 बार ये लोग हमारी टीम को ट्रेनिंग करा रहे हैं. जैसे वो रिपीटेड ट्रेनिंग क्यों ना हो, कोई नया स्टाफ आता है उसके लिए, तो उसके लिए हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. उनके लिए डे फिक्स है ट्रेनिंग सेशंस की, किसी भी तरह का कोई नया डेवलपमेंट हुआ है या हमारी तरफ से कोई भी तरह का फीडबैक है, तो महीने में 3 बार ये लोग ले रहे हैं और उस पर इम्प्रोवाइज कर रहे हैं. जो रिज़ल्ट आ रहा है वो आपको बता रहे हैं साथ के साथ. उसके अलावा अगर हमको कुछ भी इनके सिस्टम में चेंजेस कराना है हमारे ऑपरेशन रिलेटेड जो हमारी कन्वीनियंट हो, तो ये भी इन्होंने ऑप्शन इसमें दे रखा है. तो ट्रांसपोर्टर अपने हिसाब से कुछ भी इसमें इम्प्रूवमेंट करा सकता है या कुछ ऑल्ट्रेशन करना है तो वो ईजीली कर सकते हैं. प्लस फ्लीट एज से हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है मेरे बिजनेस में भी. जो मेरे स्टाफ हैं उनमें उनको भी कुछ नई नई चीज़ें मिली हैं देखने को, कि और क्या नए तरीके से ये लोग ट्रैकिंग या फिर गाड़ी को मॉनिटर कर सकते हैं. मेरी मेंटेनेंस टीम इसको मॉनिटर कर रही है आज की डेट में. पहले ट्रैकिंग डिवाइस होता था सिर्फ ऑपरेशंस के बंदों के लिए, बट इन लोगों ने ट्रैकिंग से हटके एक मेंटेनेंस टीम को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है. सो दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन इट, जो मेरी मेंटेनेंस टीम है. एंड ड्राइवर्स के लिए काफ़ी ये लोग कर रहे हैं. लाइक अगर कोई ड्राइवर को मेरे को रूट भी अगर एक्सप्लेन करना है, सो दैट मैं फ्लीट एज के पोर्टल में जाकर के उसको गूगल मैप शेयर कर सकता हूँ. जो जो मैंने जियो फेंस कर रखे हैं, जैसे कोई नया ड्राइवर आता है उसको जियो फेंसिंग के थ्रू मैं लोकेशन शेयर कर सकता हूँ साथ के साथ. तो टाटा मोटर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है फ्लीट एज, ये लोग गाड़ियों के साथ लगा के दे रहे हैं. सो मेरे हिसाब से ये काफ़ी बड़ा बेनिफिट है ट्रांसपोर्टर्स के लिए भी, जो फ्लीट एज अच्छे से देख रहे हैं. प्लस मैं टाटा मोटर से यही करता गुजारिश है कि जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा वैसे बाकी ट्रांसपोर्टर्स का भी एक्सपीरियंस रहना चाहिए और सबको ट्रेनिंग बराबर मिलनी चाहिए, सो दैट और ज़्यादा इसमें एक्सप्लोर कर सकेंगे लोग. जितने ज़्यादा लोग इसको एक्सप्लोर करेंगे उतना नया नया इम्प्रूवमेंट, नई नई चीज़ें ये लोग डेवलप कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच. सो दोस्तों दैट्स इट इन द वीडियो. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा और आपको अगर कोई भी क्वेरी है फ्लीट एज के बारे में तो आप हमारी फ्लीट एज ऐप की वीडियो देख सकते हैं या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.